हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये देखो, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। राधे राधे। मेरा भाई आज क्या कर रहा है? आज मेरा भाई मेरी पैकिंग में हेल्प कर रहा है। दोस्तों, कल मैं जा रही हूँ अपने घर। जयपुर में आए हुए मुझे 12 दिन हो गए और अब समय हो गया अपने घर चलने का। नेक्स्ट मंथ फिर आना होगा। देखिए, ये बड़ा सूटकेस मैं लेके आई थी, मगर लेके मैं वो छोटा वाला जा रही हूँ क्योंकि मेरा सामान उतने के लायक है और इसमें मेरा भाई भी यहाँ से कमरा छोड़ने वाला है तो उसका सामान ज़्यादा है, तो वो इसमें भर के अपना लेके जाएगा। तो हमने एक्सचेंज कर लिया है। अभी वो सूटकेस मैं लेके जाऊँगी छोटा वाला और ये बड़ा भाई ले लेगा। फिर जब कभी मिलेंगे तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। ज़रूरत को देखते हुए मेरी सारी चीज़ें उसमें भरी जा रही हैं। भाई मेरा पैकिंग कर रहा है मेरा, और देखते हैं मेरा भी सारा सामान इसमें आ पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ शॉपिंग भी करी है मैंने। और ये मेरे कुछ कपड़े और मेरी दवाइयाँ ववाइयाँ, और आज मैं अपनी दवाइयाँ भी ले गई। देखिए दोस्तों, कितनी सारी दवाइयाँ, देखिए दिखा बड़े वाले डब्बे। ये देखिए क्या बड़े बड़े डब्बे मिले दवाइयों के मुझे। ऐसा वाला 2 डब्बा मिला, एक और वाइट डिब्बा था भाई, ये रहा। ये सारी दवाइयाँ, ये देखो दोस्तों, एक ये चूर्ण मिला है, एक ये चूर्ण मिला है, और ये एक चूर्ण मिला है, और ये टैबलेट है, ये सिरप है, एक और थी ना अशोका रिस्ट, वो मिली है। इतनी सारी दवाइयाँ हो गई है थोक में, सब इतनी सारी ये खरीदी हुई हैं, और इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मैं तो सोच रही दिन बीत जाएगा मेरा दवाइयाँ खाते खाते, तो चल ये भी रख दे। दोस्तों, आज बहुत अच्छी मौसम हुआ है यहाँ पे, देखिए एकदम काला आसमान हुआ है और हाँ दिख गया। और हम दोनों भाई बहन बारिश में खूब भीगे हैं, और उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप है मेरे पास, मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए। और अभी देखिए पैकिंग चालू है, तो मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ जयपुर के मार्केट से। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, पर जो भी किया है चलिए आपको दिखाती हूँ। तब तक ये मेरा पैकिंग सल्टा रहा है, मेरा सारा काम, ये मेरा ना क्या बोलते हैं वो चिराग वाला जिन्न है, इसको मैं ऑर्डर देती हूँ सारा काम पूरा हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी शाम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। चल रहे हैं हम लोग, मैं और मेरे भाई, घूमने थोड़ा सा, और थोड़ा सा कुछ खाने पीने मंचिंग करने। शाम का टाइम है तो कुछ खाने का मन कर रहा है। और आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है, लास्ट दिन है, कल मेरी ट्रेन है। तो मेरा भाई बोल रहा है चलो तुमको घुमा फिरा के लाते हैं, खिला पिला के, और लाइट बंद हो गई, चलो ताला लगाओ। हाँ, मेरी लाइट तो है इसमें ऐसे। तो दोस्तों चलिए ताला लगा के आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा पानी पूरी वगैरह, गोलगप्पा वगैरह, इडली डोसा। मेरा भाई बोल रहा है जो दिखेगा वो खाएंगे, तो देखो हम कितना खा पाते हैं आज, देखेंगे हम। है भाई जितना खा सकता है उतना खाएंगे, देख लेंगे। आज खाना नहीं बनाएंगे, डिनर नहीं बनाएंगे, अब सीधे कल ट्रेन का ही खाना रास्ते के लिए बनाएंगे। सब्जियाँ वब्जियाँ लेनी है। सो फ्रेंड्स, अभी बारिश हुई है, यहाँ पे कीचड़ हुआ पड़ा है, लाइट तो काफ़ी है तुम्हारे लोगों है ना यार, अंधेरे में काफ़ी है ना, अंधेरे में काफ़ी लाइट है ये।
अच्छा सुनो, लोग वीडियो फोन करो। अच्छा खाए होंगे सूजी के आटे के, दाल के गोलगप्पे खाने वाले पहले दाल के खाना है दाल के दाल का है, एकदम बारीक होता है, मीठा पानी करना, मीठा पानी करना। ठीक है बढ़िया ना। अरे हमारे पंडित जी ऐसी थोड़ी फेमस है। पंडित जी के पता नहीं, बताओ सर बताओ कैसा लगे? बहुत, दाल वाले तो इतने क्रंची थे ना, इतने छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जा रहे मुंह में, और एकदम बारीक कुरकुरे से, एकदम क्रंची थे, बहुत बहुत टेस्टी थे। मसाला भी आलू ही भरा था, चाट मसाला के साथ में, पर अच्छा लग रहा था। चटनी भी टेस्ट बना दिया, बहुत अच्छा। आप तो कहा सकते कौन सी जगह? ये है गणगौरी बाजार, गणगौरी बाजार जयपुर में, और पंडित जी पतासे वाले से आप लोग आ सकते हो, और बहुत अच्छे बहुत टेस्टी आपको पानी पूरी खाने को मिलेगी। मैंने पसंद है ये दाल की पानी पूरी, बहुत पहली बार खाई, लाइफ में पहली बार है, सुना भी नहीं था कि दाल की पानी पूरी होती, तो बहुत टेस्टी थी दोस्तों। तो चलिए अभी आगरा चाट वाले के हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ खाने वाले हैं क्या, आलू टिक्की, आलू टिक्की ट्राई करने वाले हैं, और देखते हैं कैसी रहती है आलू टिक्की, तो आप लोग मुझे बताएंगे, वेट करिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए इनकी आलू टिक्की, यहाँ पे मीठी चटनी और हरी चटनी, प्याज वाली नहीं डालते? नहीं कुछ नहीं, प्याज नहीं डालते, बस केवल टिक्की और छोले, टिक्की छोले और चटनी के साथ ये सर्व करते हैं। और चलिए खा के, तूने तो खाई होगी, चलो मैं खा के देखती हूँ। बीच में सर्व यहाँ पे तोड़ के, टिक्की काटने में मुश्किल होता है, टिक्की मजबूत होती है, करारी करारी। तो दोस्तों हम इसको एंजॉय करके तब मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि इसको काटना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ ये पूरा एक पीस ले लो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है दोस्तों, पूरा एक पीस ही बहुत होता है गरम। ठीक है रक्षण देखिए, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत तो दोस्तों बहुत ही कमाल की टिक्की है ये, करारी एकदम करारी सी, और आपको पहला बाइट मुंह में डालते ही ना खाते ही लगेगा कि जल्दी से इसका दूसरा बाइट भी मैं मुंह में डाल लूँ, है ना, इंतजार नहीं होगा आपको, इतनी टेस्टी है, है ना, मजा आ जाता है एकदम से, है ना। सो फ्रेंड्स ये था मेरा जयपुर का आखिरी दिन का
स्नैक्स जो हम मैंने एंजॉय किया यहाँ पे, भाई ने खिलाए पंडित जी के बतासे और आगरा चाट भंडार की आलू टिक्की, तो बहुत अच्छा लगा और भाई और हमने खूब खा के एंजॉय किया मस्त। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी शॉप पे जाएंगे, देखें कुछ और भी मिल सकता है, तो क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा है डिनर नहीं बनाएंगे, यही सब खा के और फिर रात ऐसे ही बिता देंगे, तो फिर कल सुबह ट्रेन ही है मेरी, तो चलना है। तो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा भी अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई अभी बिलिंग कराने, मतलब बिलिंग कह रही हूँ, पे करने के लिए गया है, तो चलिए अभी चलते हैं घर और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जल्दी जल्दी से मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, आप जल्दी से मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।